उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान हुई एक दुर्घटना में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। उनके काफिले में शामिल पुलिस सुरक्षा का वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी मिली है कि कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, जबकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस समय ये हादसा हुआ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी उनके साथ थी। मुस्लिम धर्म प्रचारक और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एनजीओ के प्रमुख जाकिर नाइक पर सरकार और सख्त हो गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नाइक के एनजीओ में विदेशी फंड को लेकर हो रही जांच का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक से जुड़ी कंपनियों और उसके इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी जानकारी इकट्ठी करने के लिए कहा है। पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित को यूपी की सीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि शीला के यूपी आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अखिलेश का कहना है कि जनता देखेगी और फैसला करेगी कि किसने कितना काम किया है। जबकि शीला दीक्षित को सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय है कि वह किसे अध्यक्ष बनाए, किसको सीएम पद का उम्मीदवार बनाए, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएम मोदी ने टेरेसा मे को ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा है कि वह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उनके साथ काम करने के आकांक्षी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने पर टेरेसा मे को बधाई। टेरेसा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है और पीएम मोदी ने ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जम्मू कश्मीर को 1990 के दौर में वापस ले जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जो कुछ हो रहा है वह गुजरात मॉडल है, जिसे लोगों को बचाने की जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भाजपा केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में है और उसे हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान वानी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद कश्मीर में हुए प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह कश्मीर में संकट बढ़ावा दे रहा है और विभाजन के बाद से ही बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। गोल्डमैन के नाम से मशहूर पुणे के चिट फंड बिजनेसमैन दत्तात्रेय फुगे की उसके बेटे के सामने कथित तौर पर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दत्तात्रेय की हत्या को चिट फंड स्कैम से जोड़कर देख रही है। दत्तात्रेय फुगे राजनीति में भी सक्रिय थे। उन्हें सोने का काफी क्रेज था। एक कार्यक्रम के दौरान एक बार उन्होंने 1.2 करोड़ रुपए की कीमत की शर्ट पहनी थी, जिसके बाद वे चर्चा में आए थे। साल 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मामले में पीड़ित और गवाह नियामत शेख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नियामत शेख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को आरोप मुक्त करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही सलमान की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है, ऐसे में नियामत शेख की याचिका खारिज की जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नियामत शेख को लगी चोट का हर्जाना लेने के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी। इस्लामिक धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक ने मुंबई में स्काइप के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही जाकिर ने फ्रांस हमले की निंदा की। जाकिर ने इसके बाद कहा कि बांग्लादेश की एक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय मीडिया ने मेरा ट्रायल शुरू कर दिया, जो गलत है। जाकिर ने कहा कि मेरे भाषणों ने आतंकवादियों को प्रेरित नहीं किया है। पीस टीवी पर बैन लगाने के सवाल के जवाब में जाकिर ने कहा कि प्रसारण की अर्जी बिना बताए खारिज कर दी गई। जाकिर ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिम चैनल होने के कारण पीस टीवी को बैन किया गया। जाकिर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्लाम में आत्मघाती हमला हराम है, मासूमों की जान लेना गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि युद्ध में आत्मघाती हमला जायज है।
जम्मू कश्मीर में जुमे की नमाज में जुटने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ताजा हिंसा की आशंका के मद्देनजर कश्मीर में आज कर्फ्यू लगा दिया। पिछले सप्ताह हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद हुई झड़पों में 36 लोग मारे जा चुके हैं और 3100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के तहत कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बीते शनिवार से कश्मीर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता 22 वर्षीय हार्दिक पटेल 9 महीने जेल में बिताने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को विसनगर के एक विधायक कार्यालय में हिंसा से संबंधित एक मामले में जमानत मंजूर कर उनकी रिहाई का रास्ता खोल दिया था। अब आज हार्दिक पटेल की रिहाई हुई है। जेल से रिहा होने के बाद हार्दिक पटेल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे 56 इंच का सीना नहीं, समाज के लिए अधिकार चाहिए। हार्दिक ने कुर्मी समाज को संगठित करने का भी ऐलान किया। अब 48 घंटों के भीतर हार्दिक को गुजरात से बाहर जाना होगा। अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बार फिर न्यायपालिकों और मोदी सरकार के बीच टकराव सामने आया है। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। पिछले साल अक्टूबर 2015 में पहली बार दोनों के बीच तनाव उभरा था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट को खारिज कर दिया था। यूपी में कांग्रेस सीएम पद का उम्मीदवार बनने के लिए शीला दीक्षित ने काफी समय लिया। उन्होंने दो बार ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन प्रियंका वाड्रा के कहने पर सहमति दे दी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस सीएम उम्मीदवार बनाने के लिए प्रियंका के साथ राजीव शुक्ला और गुलाम नबी आजाद भी शीला के घर गए थे। मार्च में कांग्रेस नेताओं की बैठक में शीला के नाम पर सहमति बनी थी। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस को ब्राह्मण को सीएम चेहरा बनाना चाहिए। सिंगर अभिजीत को भारी पड़ा आप नेता से बदतमीजी करना। अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले अभिजीत पर इस बार आप नेता प्रीति शर्मा मेनन ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल कुछ दिन पहले अभिजीत ने ट्विटर पर महिला पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। जब आप नेता प्रीति समेत दूसरी महिलाओं ने अभिजीत के गलत रवैये का विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ भी तरह बात की। प्रीति ने जब अभिजीत की बदतमीजी को लेकर पुलिस कमिश्नर को ट्वीट किया तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की। चीन में आए तूफान ने अभी तक 237 जानें ले ली है। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। खबर के मुताबिक करीब 1.5 लाख घर इस तूफान ने तबाह कर दिए हैं। ताइवान ने पिछले सप्ताह तूफान के कारण 15,000 से अधिक लोगों को मजबूरन अपने घरों से पलायन करना पड़ा था। शनिवार को पूर्वी प्रांत फुजियन में भूस्खलन के बाद इसके कमजोर होने की संभावना थी, लेकिन अभी भी इसका कहर जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करके चेताया है कि अगले 3 दिन में उत्तरी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बताया है। ये अलर्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम के लिए जारी किया गया है। तेज बारिश की संभावना हरियाणा, NCR और पंजाब में भी जताई गई है। फ्रांस के नीस में आतंकी हमला हुआ है। एक आतंकवादी बेकाबू ट्रक को लेकर नीस शहर में फ्रेंच नेशनल डे के समारोह के लिए जुटी भीड़ में घुस गया। आतंकवादी संगठन ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर ने लोगों को रौंदने के बाद फायरिंग भी की। हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फ्रांस के नीस में हुए हमले के बाद पेरिस में भारत राजदूत लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हालांकि अभी तक किसी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दक्षिणी सूडान से 200 से ज्यादा भारतीयों को लेकर 2 सैन्य विमान स्वदेश में वापस लौट चुके हैं। हालांकि वहां फंसे करीब 600 भारतीयों में से बहुत से भारतीय लौटने को तैयार नहीं है। दरअसल वहां सीज फायर के बाद हालात कुछ सुधरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वहां काम कर रहे भारतीयों के सामने दुविधा की हालत पैदा हो गई है। दुविधा इस बात की कि देश लौट गए तो रोजी रोटी का क्या होगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 83 किलोमीटर दूर कोकरनाग में भीड़ ने उस घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें बीते शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी और उसके दो साथी मारे गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारी भीड़ ने बमदूरा में मंजूर अहमद के घर पर हमला कर उसमें आग लगा दी। मंजूर को मारे गए एक आतंकवादी का रिश्तेदार बताया जाता है।
We'll be right back.